हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास है माइक्रोटेक का न्यू वाला इन्वर्टर है, सुपर पावर 812 वोल्ट डिजिटल। दोस्तों, इसमें जो है ओवरलोड की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये नया इन्वर्टर है या नया मॉडल है, आपके घर पर अगर आप नया इन्वर्टर नया मॉडल ले जाते हो, उसमें अगर आप ये माइक्रोटेक कंपनी का है, आपके पास लिफास्ट का हो सकता है, लुमिनस का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, नया मॉडल हो, और अगर आपके कम लोड डालने पर भी ओवरलोड दिखाता हो, जैसे कि हमारे पास 200 वाट लोड है, अगर हम इस इन्वर्टर पे चलाते हैं तो ओवरलोड दिखाता है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है क्या करना है आप लोगों को। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, सारी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पास जैसे कि नया इन्वर्टर है, तो ये बिल्कुल नया है दोस्तों, देख सकते हो, ठीक है आप। उसके बाद हमने इसको खोला, इसकी साइड से जो है वो पेच मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि चार एक तरफ पेच होते हैं और तीन पेच एक तरफ होते हैं, ठीक है। ये सात पेच आप लोगों को खोलना है साइड से, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं छूना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जैसे कि ये नया इन्वर्टर है तो अब तो बहुत अच्छी साइनिंग है, बहुत अच्छी फिटिंग है, और प्लेट भी दोस्तों पहले बड़ी आती थी, अब छोटी आ रही। दोस्तों, एक तो हमारा जो इन्वर्टर के बाहर से आउटपुट होता है प्लस वाला, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों प्लस वाला, ये सेफ्टी थोड़ी सी लगा रखी है इन्होंने फैन के लिए। उसके बाद ये प्लस वाला हो जाता है, और जो ट्रांसफार्मर से जो दो तारे होती हैं वो यहाँ पर लगी होती हैं हमारी, इस मतलब जो होती है हीट सिंक, उसमें लगी हुई होती है। तो इसमें जो है इस तरह से दोस्तों ये जो है वो ढीली है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी ढीली हो और अधिक लोड डालने पर ये थोड़ा सा ओवरलोड दिखा देता हो। तो आपको एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आपको ये खोल के देखना है और कस देना है, अगर आपकी ये जो है वो ढीली है तो आपको किसी भी चाबी की मदद से या गोटी की मदद से इसको कस देना है पूरी तरह से, ठीक है। दोस्तों, इसको कस देते हैं, और यहाँ पर जो हमारी प्लस वाली है वो भी ढीली हो सकती है, इसके अलावा ये भी ढीली हो सकती है, ये भी, किसी भी तरह की तीनों में से कोई भी ढीली हो सकती है। तो इन तीनों को हम कस लेते हैं, आप भी तीनों को कस लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हमने जो ढीली थी, जो लूजिंग थी, वो कस लिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं, तो हमारा इन्वर्टर जो है जो पहले से थोड़ी सी आवाज़ कर रहा था वो भी आवाज़ नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग किसी तरह का कोई लोड चलाएंगे तो उसमें ओवरलोड भी नहीं दिखाएगा, अधिक से अधिक लोड चलाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास 200 वाट लोड चलता है और किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं है इससे, और अच्छे से चल रहा है। अगर हम इसको ढीला कर देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोस्तों यहाँ पर ढीला है और उसमें से बहुत तेज आवाज़ भी आ रही है, दोस्तों आप लोग सुन सकते हो और देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये बार बार ओवरलोड दिखा के बंद हो जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज वाली लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे चैनल पर जाएं टेक्निकल मदार पे, वहां पर भी सब्सक्राइब करें। हमारी शॉप जो है वो पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत मदार बैटरी एंड सोलर शॉप धनारागढ़ रोड पूरनपुर में, आप लोग एक बार जरूर आएं और अच्छे से अच्छी चीज़ खरीदें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, ये इन्वर्टर की जो कीमत है माइक्रोटेक 800 डिजिटल, इसकी कीमत 4500 से 4200 रुपये है, 4200 से 4500 आपके इलाके में कुछ ज़्यादा हो सकती है या कुछ कम हो सकती है। आप लोगों को हमारी शॉप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एक बार, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये उपाय, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड नहीं भी कर रहा फिर भी एक बार चेक कर लें, खोल के कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द, आप लोग साथ जय हिंद दोस्तों।